वेलकम टू पुष्पैड अकेडमी। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की, न्यूट्रिएंट की। न्यूट्रिएंट क्या है और न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिएंट क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा होगा। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, वाइटामिन, मिनरल और भी बहुत कुछ, जिसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। न्यूट्रिएंट क्या है, ये फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन, मिनरल, ये सब कुछ हमने क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। अगर आप लोगों को याद नहीं है तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं क्लास 6 की। न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। न्यूट्रिएंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ करने के लिए। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन है क्या, न्यूट्रिशन क्या है, इट इज़ अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉडी। फूड हम किस मतलब मोड क्या है, हम फूड किस तरीके से ले रहे हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म से, उसे हम और वो हमारी बॉडी में किस तरीके से यूटिलाइज हो रहा है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। जैसे कि ऑटोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स हो गया एग्जांपल के लिए। तो इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं, ठीक है। तो अब हम इसी के जैसा दूसरा एग्जांपल एक और है, हेटरोट्रॉप्स, ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं खाने के लिए, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि एनिमल्स, एनिमल अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, वो प्लांट से लेते हैं, प्लांट को खाते हैं। अब हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस क्या है, ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद ही बनाते हैं। अब वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, अभी हमने पढ़ा था एग्जाम्पल में, तो उस जो ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उस खाने के बनाने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज देयर ऑन फूड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस अकर इन लीव्स ऑफ प्लांट। अब ये जो फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस है, ये कहाँ पे होता है, जो प्लांट के ग्रीन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि लीव हो गया वहाँ पे, और किसी किसी के इसमें स्टेम में भी होता है फोटोसिंथेसिस। इट रिक्वायर्स सनलाइट। अब फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए। इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करता है, जो कि उसको खाना बनाने में हेल्प करता है और रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। अब चलिए इस प्रोसेस को और अच्छे से समझते हैं कि ये होता कैसे है। जो प्लांट की रूट्स होती है, रूट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट ऑन सॉइल एंड ट्रांसपोर्टेड टू पार्ट ऑफ लीव्स। जो प्लांट की रूट्स होंगी वो क्या करेंगी, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करके वो क्या करेगी, लीव्स के दूसरे, जो प्लांट है उसके दूसरे पार्ट्स में पहुँचाएगी, ठीक है। देन लीव टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर विद द हेल्प ऑफ टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द अंडर साइड सरफेस ऑफ लीव। अब रूट ने अपना काम कर दिया, रूट ने पानी पहुंचा दिया, अब लीफ क्या करेगी, लीफ के पास जब पानी पहुंचेगा तो लीफ कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लेगी। एयर कहाँ से आएंगे, जो प्लांट है वो ब्रीथ कहाँ से करते हैं, जो प्लांट की लीव्स होती हैं उनके नीचे पोर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे, ये छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। यहाँ से प्लांट एयर ले लेगी बाहर से, ठीक है। यहाँ पर मैंने मेंशन भी किया है, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन अंडर साइड सरफेस ऑफ लीव, दीज टाइनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा एंड दे सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स। अब ये जो स्टोमेटा है, टाइनी पोर्स है, ये इनको कौन सराउंड करता है, गार्ड सेल्स। जैसे कोई भी सिक्योरिटी लगी होती है ना बाहर हमारे घर के बाहर, वैसे ही ये जो स्टोमेटा, इसके बाहर भी एक सिक्योरिटी है जिसको हम बोल रहे हैं गार्ड सेल्स। देन लीव, अब ये गार्ड सेल्स क्या करता है, ये देखता है कि अंदर आ क्या रहा है, मटेरियल क्या जा रहा है। द लीफ टेक सनलाइट एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब क्या हो रहा है इसमें, अब जो लीव है वो क्या करेगी, वो सनलाइट की हेल्प से, जो सूरज की रोशनी होगी, ठीक है, उससे जो एनर्जी मिलेगी उसको,
वो क्या, वो यूज़ करेगी उसको फूड बनाने के लिए, ठीक है, फ्रॉम किसकी किसकी हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से और सनलाइट की जो एनर्जी है उसकी हेल्प से ये क्या करेगी, खाना बनाएगी, जिस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे, फोटोसिंथेसिस। अब ये देखो, ये प्लांट है और वो सूरज है, सॉइल, और ये जो रूट है ये क्या है, वाटर मिनरल लीव्स तक पहुंचाएगी, लीव्स एनर्जी लेगा, सूरज एनर्जी लेंगी और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या बोलते हैं, वाटर और एनर्जी की हेल्प से क्या बनाएगी, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट जो कि इनका खाना होगा। ऑक्सीजन तो ये प्रोड्यूस कर देंगे और कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, इनका फूड होगा जो कि कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। आइए इसको भी अच्छे से समझते हैं, हो क्या रहा है इसमें। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये तो क्या है, लीव्स के पास है, ठीक है, प्लस इसके साथ एक और चीज़ है एनर्जी। अब ये एनर्जी यूज़ करके लीव्स जो हैं वो क्या बनाएंगे, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा स्टार्च में और जो ऑक्सीजन है वो प्लांट प्रोड्यूस कर देंगे बाहर, ठीक है। अदर देन लीव्स फोटोसिंथेसिस आल्सो, ये तो अभी हमने बात की कि लीव्स के अलावा भी फोटोसिंथेसिस और भी स्टेम के पार्ट्स में जैसे होता है, ठीक है। डेजर्ट प्लांट्स हैव स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। डेजर्ट प्लांट यूज स्टेम टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं उनकी जो लीव्स होती है वो कैसी होती है, स्पाइन की तरह होती है। स्पाइन की तरह इसलिए होती है ताकि उनमें जो पानी का लॉस है, ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर लॉस कम हो। और जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर अपनी स्टेम को यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए। नेक्स्ट है, चलिए मैं आपको इसमें दिखाती हूँ कि स्टोमेटा कहाँ पे होता है। ये एक लीफ है, ये लीफ है, इस लीफ के पीछे के साइड पे ये स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ये एक नहीं होते, बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। ये होते हैं गार्ड सेल, ये आपको दिख रहे हैं, ये गार्ड सेल होते हैं। और इसमें ये क्लोरोफिल है, ग्रीन पार्ट, ग्रीन पिगमेंट जो होते हैं, ये क्लोरोफिल है सारे, ये गार्ड सेल्स हैं। और ज़्यादा हमने इसको वो कर रखा है माइक्रोस्कोपिक, ये गार्ड सेल है और ये स्टोमा है यहाँ पे। ये जो स्टोमेटा है ये वाला, ये यही चीज़ है यहाँ पास ही। ये यहाँ से क्या होता है, ओपन क्लोज होता रहता है ताकि जो एयर है वो इन आउट, वाटर लॉस वगैरह, ट्रांसपिरेशन के थ्रू ये सब होता रहता है। ये पोर है यहाँ से। अब हम बात करेंगे सेल्स की। सेल्स क्या है, बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स कॉल सेल्स। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो क्या होती है, छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है, ठीक है। सेल्स ओनली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। अब ये जो सेल्स है वो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में ही विजिबल होते हैं, हम इनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते, हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं। सेल हैज थिन आउटर बाउंड्री कॉल सेल मेम्ब्रेन। सेल की क्या होती है, बाहर की एक मेम्ब्रेन होती है, आउटर लेयर जो होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, वो बहुत थिन होती है। मैं आपको दिखाती हूँ इस डायग्राम में, ये वाली जो बाहर की लाइन है ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस। इनसाइड द सेल, सेंटर में, सेल के सेंटर में क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस। ये है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल साइटोप्लाज्म। अब जो न्यूक्लियस है वो क्या है, वो किससे सराउंडेड है, साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है, ये पूरा एरिया साइटोप्लाज्म है। ये न्यूक्लियस बीच में, इसके ये पूरा जो सराउंडेड एरिया ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ लिविंग, सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन सेल, दे आर कॉल्ड सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, सिर्फ एक ही सेल से बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स। और कुछ लिविंग सेल्स एक सेल से ज़्यादा बने होते हैं, उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के एग्जाम्पल बताइए क्या हो सकते हैं, जैसे अमोइबा वगैरह हो गए, ठीक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बहुत सारे ये। अब हम बात करते हैं एल्गी की, इन पॉन्ड्स और अदर एरिया। एल्गी क्या होती है, अब हमने पॉन्ड्स में देखा है या फिर कहीं और वाटर एरिया में देखा है, हमने
ग्रीन से पैचेस देखे होंगे जो स्लाइम से होते हैं, बहुत चिपकते नहीं है लेकिन ऐसे तो ना खिंचते हैं वो बहुत, वो होते हैं एल्गी। ठीक है, ये जो एल्गी होते हैं ग्रीन कलर में होते हैं। ये क्यों होते हैं ग्रीन? इसमें ये क्लोरोफिल होता है, प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है जो ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड। अब जो एल्गी है वो भी अपना खाना खुद ही बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि ये ग्रीन होते कलर में, इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, और बाकी सारा प्रोसेस फिर वो सेम है प्लांट जैसा ही।